हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक मेटा डिजिटल क्लासेस। टुडे विल बी स्टडी चैप्टर नंबर सेकंड, एक चर वाले रैखिक समीकरण। और एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अपन ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ चुके थे कि कौन सी विधि से समीकरण को हल करते हैं। समीकरण का हल क्या होगा कि जो एक वैल्यू होगी एक्स की या वाई की, जो भी वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जो वैल्यू है वही क्या होगा, उस समीकरण का हल होगा। और आपने कौन से समीकरण को हल किया था कि जो आपको क्वेश्चन में समीकरण दिया हुआ था, और समीकरण किस प्रकार का गिवन था, एक तरफ ओनली चर राशि थी और एक तरफ क्या थी, ओनली आपकी संख्या थी। यानी इस प्रकार का क्वेश्चन 2x + 5 = 9, यानी एक तरफ आपका वेरिएबल वाला पार्ट था और एक तरफ क्या था, आपकी संख्या वाली संख्या थी। इस प्रकार की आपको इक्वेशन दी हुई थी और आपने उस इक्वेशन से, उस समीकरण से आपने x का मान निकाला है, x की वैल्यू निकाली। और x की वैल्यू किससे निकाली है, पक्षांतरण विधि से। कौन सी विधि से, पक्षांतरण विधि से। दो पक्षांतरण विधि से, एक बार मैंने लास्ट की क्लास के अंदर इंग्लिश यूज की थी क्योंकि वो वीडियो दोनों के लिए था, इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के लिए। अब एक बार उसको आप अपने लैंग्वेज में समझो, हिंदी मीडियम वाले, कि ये क्वेश्चन आ गया पक्षांतरण विधि से, इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो देखो, पक्षांतरण विधि से कैसे सोल्व करेंगे, आपके पास में इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, 2x + 5, एक तरफ चर का पार्ट दिया हुआ है और एक तरफ ओनली केवल संख्या दी हुई है। आपको चर का मान निकालने के लिए जो चर के प्लस में हो या माइनस में हो या मल्टीप्लाई में हो या डिवाइड में हो, उनको वहां से हटाना है। और हटाने के लिए क्या करेंगे, कौन सी विधि, पक्षांतरण विधि यूज करेंगे। अब पक्षांतरण विधि क्या होगी, अगर ये आपका इक्वल टू का चिन्ह है, अगर चिन्ह के इधर कोई संख्या प्लस में है, यानी वेरिएबल के साथ में है कोई संख्या, इधर किसके साथ में है, वेरिएबल के साथ में कोई संख्या यहाँ पर है, तो वो संख्या अगर प्लस में है तो वो इधर जाएगी किस में जाएगी, माइनस में, और अगर माइनस में है तो वो किस में जाएगी, प्लस में। अगर इधर से संख्या को इधर लेके आओगे, अगर कोई संख्या माइनस में है तो किस में जाएगी, प्लस में, और प्लस में है तो माइनस में। सेम इसी प्रकार अगर कोई वेरिएबल के साथ में, किसके साथ में, वेरिएबल के साथ में अगर कोई संख्या मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर डिवाइड में है, किस में है, डिवाइड में है, तो वो किस में हो जाएगी, आपकी मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में। ये अपन ने लास्ट की क्लास के अंदर स्टडी की थी। अब देखो इसके अंदर, जैसे मेरे को इस एक्स का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, कौन सी विधि से, पक्षांतरण विधि से। तो देखो पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 का पक्षांतरण करने पर, यहाँ पर क्या लिखोगे, 5 का पक्षांतरण करने पर, और 5 का पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे 2x = 9 है। अब ये 5 का पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा 2x = कितना हो जाएगा, 4। अब किसका पक्षांतरण करोगे, 2 का पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पे लिखोगे 2 का पक्षांतरण करने पर। अब 2 का पक्षांतरण कैसे करोगे, कि ये 2 इसके मल्टीप्लाई में है ना, x के मल्टीप्लाई में, तो इधर किसमें जाएगा, ये डिवाइड में, तो x = 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो ये है आपका ट्रांसपोजिशन मेथड, यानी पक्षांतरण विधि। अब सुनो एक बार, अब जो आपकी एक्सरसाइज है कौन सी, 2.2, कौन सी एक्सरसाइज, 2.2। और इस 2.2 के अंदर क्या होगा, इसमें आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं लैंग्वेज में, एक भाषा के रूप में दिए हुए हैं। पहले चैप्टर में क्या था, आपको इक्वेशन दी हुई थी, आपने वेरिएबल का मान निकाल लिया, एक्स का मान निकाल लिया। लेकिन अब इस चैप्टर में क्या है कि आपको एक्स जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक लैंग्वेज में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, एक लैंग्वेज में, एक भाषा में। कैसे, एक आयत की, एक आयत का परिमाप 15 सेंटीमीटर है, आयत का परिमाप 15 सेंटीमीटर है, यानी किसका परिमाप, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, तथा आयत की लंबाई आपको दी हुई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आयत की क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहले आपको इक्वेशन बनानी होगी और फिर
जो वैल्यू आपसे पूछी है, क्या पूछी है, यहाँ से आपको चौड़ाई पूछी है तो उस चौड़ाई का मान निकालना है। तो जो चौड़ाई पूछी, जो आपसे पूछेगा उसको आप क्या करोगे, एक्स वाई या ए या बी कुछ भी लेट कर लेना, कुछ भी मान लेना, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में बोर्ड पे लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप अपनी बुक पे ध्यान देना एक बार, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि अगर आपको किसी संख्या से, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, यानी कोई संख्या है, सुनना एक बार, क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार पढ़ना आराम से, और मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर भी ध्यान देना। कोई संख्या, कौन सी संख्या आप जानते हो, नहीं जानते हो ना, उसको क्या मान लोगे, x। माना वह संख्या क्या है, x है, जिसको अपन जानते नहीं उसको x मान लो। अब जो दिया हुआ है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा, अपना दिमाग नहीं, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा उसके अकॉर्डिंग उस जो राशि आपने मानी है ना उसके साथ में अपने को कानूनी कार्रवाई करनी है। किसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे, क्वेश्चन क्या है, अगर आपको किसी संख्या से, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने के लिए, 1/2 घटाने के लिए और जो परिणाम आएगा उसको 1/2 से गुणा करने के लिए कहा जाए, और ऐसा करने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है, तो वह संख्या क्या होगी। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यही है, माना वह संख्या, माना वह संख्या क्या है, एक्स है, माना वह संख्या क्या है, एक्स है। अब प्रश्नानुसार क्या लिखो यहाँ पे, प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार कैसे, प्रश्न क्या कह रहा है कि आपने जो संख्या मानी है उस संख्या में से 1/2 आपको घटाना है, घटा दिया सब, और घटाने पर जो संख्या प्राप्त हो रही है ये होगी, उसको क्या करोगे 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, और मल्टीप्लाई करने पे क्या प्राप्त हो रहा है, 1/8 प्राप्त हो रहा है। तो क्या आप इस x का मान निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई में देखो, ये तो मल्टीप्लाई मेरी डिवाइड में है, तो ये जाएगा एक्स माइनस का 1/2 इज इक्व टू में 8 इंटू में 2/1, ये 2 से 1, ये 2 से 4, तो x माइनस का 1/2 इज इक्व टू 1/4, तो x इज इक्व टू में 1/4 प्लस 1/2, तो यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, 4 1 प्लस 2, तो कितना गया 3/4। ये अपन ने इस प्रकार की संख्याओं को प्लस करना माइनस करना चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर परिमेय संख्याओं को जोड़ना कैसे करके आ चुके, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे, पहले क्वेश्चन को एक बार नहीं दो बार पढ़ना है, क्वेश्चन में क्या तो दिया हुआ है और क्या आपसे पूछा है, जो पूछेगा उसको क्या लेट कर लोगे, एक्स लेट कर लोगे, फिर उसी के साथ में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो नंबर आपसे करवाएगा वैसे ही आपको करते रहना है। आगे समझे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये है, एक आयताकार तरण ताल, यानी एक तरण ताल है, वो किसके आकार की है, आयत के आकार की है, किसके आकार की है, आयत के आकार की है, चलो ठीक है साहब, इसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगने से 2 मीटर है। तो एक चीज बताना कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से, लंबाई चौड़ाई के दुगने से, अरे भाई लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, कौन अधिक है, लंबाई किससे, चौड़ाई से, अरे तो चौड़ाई कितनी है नहीं पता ना, तो माना चौड़ाई कितनी है, एक्स मीटर है। तो देखो यहां से लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, दुगनी भी है और 2 मीटर अधिक भी है, दुगनी भी है और 2 मीटर अधिक भी, किसकी, चौड़ाई की दुगनी भी है और 2 मीटर अधिक भी है। ये लो, ये कौन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, इसका परिमाप 154 मीटर है, यानी आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है क्या, तो बताओ आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 154 मीटर और 2 कोष्ठक में लंबाई कितनी हो जाएगी, देखो लंबाई कितनी है 2x प्लस 2 और प्लस में चौड़ाई कितनी है, x है,
तो देखो यहाँ पे ये पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लाई में है, इधर आगे किसमें आएगा डिवाइड में, तो 154/2 इज इक्वल टू में 2x, और x कितना हुआ 3x+2। अब देखो ये 2 से 1 और ये 2 से 7 और ये हो गया आपका 77 हो गया, ठीक है। अब बताओ एक बार 77 इज इक्वल टू में 3x+2, क्या आप यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं, पहले इस 2 का ट्रांसफर कर दोगे तो पक्षांतर करोगे तो ये प्लस का है किसको जाएगा माइनस का, तो 77 माइनस का 2 इज इक्वल टू में 3x है, तो ये जाएगा कितना 75 इज इक्वल टू में 3x है, तो x इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाएगा, तो 75/3 कितना गया x, तो ये x 3 से 1 और 3 से 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25। अब x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 25, तो चौड़ाई तो कितनी हो गई 25, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो देखो ये तो हो गई आपकी 25 चौड़ाई हो जाएगी। अब यहाँ पे 2 × 25 + 2 तो जाएगा 50 + 2 कितना हो गया आपका 52, ये क्या हो जाएगी आपकी लंबाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लंबाई भी निकालनी है और चौड़ाई भी निकालनी है, x की वैल्यू जो निकालेगी वो आपको x की पुट करनी है, कर लोगे आराम से। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार तीन बार पढ़ना है, जो दिया हुआ है उसको लिखना है, जो पूछा है उसको अपन को लेट करना है। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो अच्छे से पढ़ना इस क्वेश्चन को भी, एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज का आधार आपको दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले बताओ एक बार कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है समान माप की होती है, तो ये भुजा समान है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब आधार आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, आधार दिया हुआ है, और आधार कितना दिया हुआ है 4/3, कितना दिया हुआ है 4/3 सेंटीमीटर। अब क्या पूछा आपसे, क्या पूछा आपसे, और क्या दिया हुआ है ऐसे, उसका परिमाप, किसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, अरे त्रिभुज कैसा भी हो परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग, तो यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप, और त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 4/2/15, ये आपको परिमाप दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसकी दो बराबर भुजाओं की माप, उसकी जो दो बराबर भुजाएं हैं उसकी माप पूछी है, तो माना जो बराबर भुजाएं हैं उसको क्या मान लोगे, इसको भी मैंने x लेट कर लिया, अब ये x है तो ये भी क्या हो जाएगी x हो जाएगी। अब बताओ त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योग, यानी AB + BC + AC तीनों भुजाओं का योग, परिमाप कितना दिया हुआ है 4/2/15 सेंटीमीटर। बताओ AB कितना दिया हुआ है x, माना आपने, BC कितना दिया हुआ है 4/3 प्लस AC कितना दिया हुआ है x बराबर में 4/2/15 सेंटीमीटर, x और x कितना हुआ 2x प्लस में 4/3 इज इक्वल टू में 4/2/15 = 60 और दो कितना हुआ 62/15। अब बताओ एक बार, क्या आप यहाँ से x का मान नहीं निकाल सकते, पहले मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा 2x इज इक्वल टू में 62/15 माइनस का 4/3। अब बताओ एक बार यहाँ से क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आ गया 15 एलसीएम आ गया, तो ये होगा 2x इज इक्वल टू में एलसीएम कितना आ गया 15 में भाग दिया कितनी बार, एक बार, एक तो यहाँ हो गया 62 और माइनस का 5 × 20 तो ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 42/15। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये x के मल्टीपल में है, किस में जाएगा ये डिवाइड में, तो ये जाएगा x इज इक्वल टू में 42/15 × 2, ये 2 से 1 ये 2 से 21, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 21/15, ये लो, तो ये भी 21/15 और ये भी 21/15, तो इस प्रकार से अपने को x की वैल्यू निकालनी है, निकालोगे। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट जल्दी से, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है, देखो और भी कैंसिल आउट हो सकता है ये, देखो ये कैंसिल किससे हो गया 3 से 7 और ये 3 से 5, तो 7/5। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन 4 ये है, दो संख्याओं का योग कितना है 95 है, दो संख्याओं का योग कितना है 95 है, एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है,
अरे तो पहली संख्या कितनी होगी? दो सुनो, दो संख्याओं का योग कितना है? 95। कौन सी दो संख्याओं का योग पता है आपको? नहीं ना, तो यहां पर क्या लिखोगे? माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी है? x है। तो दूसरी कितनी हो जाएगी? दूसरी क्या जाएगी? x प्लस 15। क्यों? क्योंकि पहली दूसरी संख्या पहली संख्या की, क्योंकि ये लिखा हुआ ना कि एक संख्या दूसरी संख्या से क्या है? 15 है। तो आपने एक संख्या x मान ली, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? उस संख्या से 15 अधिक हो जाएगी। अब इन दोनों संख्या, अब क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार। क्या लिखोगे यहाँ पे? प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार कैसे है? दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग यानी x प्लस 15 कितना है इनका योग? 95। क्या आप इसको सोल्व नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू में 95। अरे आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, पहले इसका पक्षांतर कर दो, जो आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दो, किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी? x की। तो x की वैल्यू एक बार यहाँ पुट करनी है और x की वैल्यू एक बार यहाँ पुट करनी है, तो एक बार पहली संख्या आ जाएगी और दूसरी संख्या आ जाएगी। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दो संख्याओं का अनुपात। जब भी कोई संख्याओं का अनुपात दिया हुआ हो या फिर एज का अनुपात दिया हुआ हो, आयु का अनुपात, तो उसको अपन क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं और फिर उसको अनुपात के साथ में ऐड कर देते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनमें से उनमें अंतर कितना है? 18 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करोगे? माना संख्याएं, माना संख्याएं, और कौन सी संख्याएं? आपको अनुपात में दी हुई है ना, कौन से अनुपात में? 5:3 में दी हुई है, तो उसको आप क्या मान लोगे? x। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5x/3x। तो एक संख्या कौन सी हो गई? 5x। दूसरी संख्या क्या हो गई? 3x। अब इन दोनों संख्याओं का अंतर ये कौन कह रहा है? क्वेश्चन। अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो प्रश्नानुसार इन दोनों संख्याओं का अंतर 5x - 3x बराबर में कितना है? 18। तो ये हो गया 2x बराबर में 18, तो x बराबर में 18/2, तो x का मान कितना गया? 9। एक बार 9 को यहाँ रखना है, एक बार 9 को यहाँ रखना है, तो 5×9 और 3×9, तो ये हो गया 45 और ये कितना हो गया आपका? 27। ये लो दोनों संख्याएं निकाल ली आपने, ठीक है। तो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, आपको तो केवल जो संख्या में दिया हुआ है वो तो लिखना ही है, लेकिन जो दिया हुआ नहीं है उसको एक्स लेट करना है। कोई जर्नी में नहीं, यहाँ पे एक्स ही लेट किया, वाई भी लेट कर सकता हूँ, तो वेरिएबल तो कुछ भी लेट कर दो आप, कहाँ दिक्कत आ रही है अपने को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, 3 लगातार पूर्णांकों का योग। अब जो जब लगातार की बात आती है, जब लगातार की बात आती है, तो मैं उसको क्या मान लेता हूँ? माना वह संख्याएं, कौन सी संख्याएं? लगातार पूर्णांक x, x+1, x+2, ये लगातार है। अब क्या आगे का मतलब है कि इनका योग, इनका योग x, x+1, x+2 कितना है? इनका योग 51 दिया हुआ है। x, x, x 3x 1 और कितना होगा? 3 = 51। क्या मैं यहाँ से x की वैल्यू नहीं निकाल सकता? पहले इसको ट्रांसफर कर दूंगा, तो 3x = 51 - 3, तो 3x = 48, तो x = 48/3, तो x = कितना आएगा? 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। तो एक तो हो गई 16, दूसरी क्या हो जाएगी? 16+1, तीसरी क्या हो जाएगी? 16+2, 16+1 और 16+2, ये लो तीनों संख्या निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को सोल्व करना है, ठीक है ना। अपना दिमाग कम यूज़ करना है इसके अंदर, तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेंगे। यानी क्वेश्चन आपको इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनने के बाद में जो आपने वेरिएबल माना है उसी की वैल्यू तो निकालनी है, और उसकी वैल्यू वहाँ पुट कर दो ले जाकर के, वही माना जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। देखो इक्वेशन सारे क्वेश्चन मैं निकलूंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद को भी करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं आपको अपने एक बार में, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसको आप नोट करो, और नोट करके मेरे पास जो मेरे पर्सनल नंबर है उसके आप सेंड करो, फिर मैं उसका वीडियो अलग से बना करके सेंड कर दूंगा। जो भी प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हैं उनकी वीडियो बना करके मैं अलग से सोल्व कर दूंगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में फिर क्वेश्चन का आंसर दो उसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, और फिर बाकी आप सारे क्वेश्चन खुद करोगे।
देखो क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 11, देखो एक बार 11 क्वेश्चन क्या है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अरे बाईचुंग के पिताजी कौन? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। अरे कौन छोटे हैं? बाईचुंग के पिताजी किससे? उसके दादाजी से। चलो आगे देखो, ये उससे 29 वर्ष बड़े हैं और उससे 29 दादाजी तो कौन है? यानी बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो क्या है 26 वर्ष छोटे हैं और उससे क्या है 29 वर्ष बड़े हैं। कौन? बाईचुंग के पिताजी। अरे तो बाईचुंग की एज क्या है वो तो देखो एक बार, यानी बाईचुंग के दादाजी है ना, बाईचुंग के पिताजी कौन है? बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से, किसके दादाजी से? बाईचुंग के दादाजी से क्या है 26 वर्ष छोटे हैं और खुद से क्या है 29 वर्ष बड़े हैं। तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक तो बाईचुंग के पिताजी की और दादाजी की आयु। तो सबसे पहले क्या मानोगे क्वेश्चन नंबर 11 में, बाईचुंग की आयु कितनी है? एक्स वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या है? सबसे पहले उसके दादाजी की आयु, किसकी आयु? दादाजी की आयु। तो पहले पिताजी की आयु क्या है? तो पहले किसकी लिखोगे? पिताजी की आयु। किसकी आयु? पिताजी की आयु। और पिताजी की आयु क्या होगी? उससे 29 वर्ष बड़े, उससे 29 वर्ष, जब 29 वर्ष बड़े हैं तो प्लस आएगी और अगर 29 वर्ष छोटे हैं तो क्या आएगी? माइनस आएगी। तो यहाँ पे एक्स प्लस 29, ये तो किसकी हो गई? बाईचुंग के पिताजी की। और बाईचुंग के दादाजी की आयु इनसे 26 वर्ष क्या है वो छोटे हैं, तो किससे इनसे छोटे हैं? तो x प्लस 29 और प्लस में 26। अरे भाई इनसे तो छोटे हैं लेकिन उससे तो बड़े ही है ना, तो प्लस ही तो आएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि उन तीनों की आयु का योग, अगर उन तीनों की आयु का योग, यानी ये तो किसकी हो गई? बाईचुंग की हो गई। तो x फिर x प्लस 29 और फिर x प्लस 29 और प्लस में 26, ये लो। तो x x x इन तीनों की आयु कितनी हो गई भाई? इन तीनों की आयु का योग कितना है? 135। x x x कितना हुआ आपका? ये 3x और इनका टोटल करोगे तो देखो x प्लस 29 और x प्लस 15 ये हो गया, तो यहाँ से जाएगा आपका x यानी प्लस का 84 इज इक्वल टू में 135। किसकी वैल्यू निकालनी है मेरे को? x की। तो पहले इसको ट्रांसफर कर दो। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू किसकी वैल्यू आएगी? बाईचुंग की। किसकी आएगी? बाईचुंग की। फिर x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो किसकी आ जाएगी? पिताजी की। और फिर x की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो किसकी आ जाएगी? दादाजी की। लेकिन आपको वैल्यू किसकी निकालनी है यहाँ से? x की वैल्यू। अब इस समीकरण को सोल्व करना, हल करना पढ़ के आए हैं, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, पढ़ना है और फिर सोल्व करना है। ओके, अब बाकी बात करेंगे मैं नेक्स्ट क्लास में। अब जिस स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम है क्वेश्चन सोल्व करना, पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना, फिर उसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करना, इक्वेशन नहीं बनती है उसको राउंड करना और मेरे पास में भेज देना, फिर मैं उनका एक अलग से वीडियो बना करके आपको और सेंड कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय।